यहाँ पे गेट वन का वो आपकी गाड़ी में सामने आ रहा है, आपको नजर आएगा। यहाँ पे सारे कुएं अक्सर भी कुएं का निशान है कि आपकी गाड़ी में सामने उल्टे हाथ में, ये अभी बंद किया हुआ है ऊपर, ये गेटे ये लकड़ी वगैरह पड़ी हुई है, ये आपको उल्टे हाथ में आप देखें। अस्सलाम वालेकुम। खजूरों का बाग है, अभी तक हजरत उस्मान गनी के नाम पे रजिस्टर्ड है। हजरत उस्मान गनी के बाग के पास एक कुआं है, जो कुआं एक यहूदी का था और वो मुसलमानों को पानी नहीं प्राप्त करता था, तो हजरत उस्मान गनी ने उनसे खरीद कर, एक यहूदी से कुआं खरीद कर तो मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। हजरत उस्मान गनी ने जो कुआं मुसलमानों के लिए खरीद कर वक्फ किया था वो इस वक्त सऊदी हुकूमत के अंडर है और उसी कुएं का पानी इस चश्मे में आ रहा है जो मुसलमानों के लिए वक्फ किया। ये पानी लोग इसके साथ वजू भी करते हैं और अपने साथ घरों में भी ले जाते हैं, और ये बाग भी हजरत उस्मान गनी का बाग है जिधर खजूरे का फल है। अजवा खजूर का मरकज है, अजवा खजूर यहाँ पर फरोख्त की जा रही है और इसके साथ दूसरी खजूर भी है, वो भी फरोख्त की जा रही है। खजूरों की मार्केट है यहाँ पर, जो खजूरें आपको सस्ते दामों में भी मिलेंगी और कहते हैं कि अच्छी खजूर है यहाँ पर। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। ये इन्होंने बंद किया हुआ है, अंदर नहीं जा सकते। तो खजूरों का बाग है, ये वो बाग है और जो उन्होंने कुआं मुसलमानों के लिए वक्फ किया उस कुएं का पानी आज भी उसी तरह चल रहा है।